हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। अब हम वैदिक मैथ्स की सीरीज करेंगे और न्यू टेक्निक सीखेंगे मैथ्स की, जो कि बहुत यूज़फुल रहेंगी आगे अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी और जेई मेन्स, जेई एडवांस, नीट, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं टेक्निक्स। और कैट एग्ज़ाम्स के लिए, इन अगर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वैदिक मैथ्स की, आई शुड से वैदिक मैथ्स के जो टूल्स होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए सीरीज लेकर आई हूँ। इस फर्स्ट वीडियो में हम टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का मेथड देखेंगे कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए टू नंबर्स को। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आपको मैथ्स तो डेली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, कि दो लार्ज नंबर्स हो पर हम उन्हें दो सेकंड में कैसे उनका आंसर निकालें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे 6 × 5 का आंसर कैसे आता है। कई लोगों ने तो आपने मीन्स लर्न कर रखा होगा 6 का टेबल या 5 का टेबल, कहीं ने क्या मीन्स ये टेबल्स तो सबको ही लर्न होते हैं। बट आप सोचोगे क्या हम वीडियो ये चीज़ देखने के लिए, ये चीज़ सीखने के लिए देख रहे हैं, इतना इजी 6 × 5। ये तो अगर इसकी जगह ही बड़े नंबर्स आ जाएं तो, जैसे कि 999 × 997 या फिर 93 × 76 या फिर 99 × 89, इनके तो टेबल्स हमें याद नहीं है, तो फिर कैसे फाइंड करें दो सेकेंड में रिजल्ट। या आप सोच रहे होंगे कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर आंसर ठीक है, पर एग्जाम्स में कई बार कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये मत सोचें कि एक एग्जाम्पल देखकर कि हो गया है, मेरे को आ गया है समझ में कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं और ये 4 एग्जाम्पल्स किसी रीज़न से ही लिए हैं। सब में मीन्स अलग वे कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आप ट्रिक को ढंग से समझ पाएँ, ठीक है दोस्तों। इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आपको बेस सेलेक्ट करना होता है। अब आप सोचेंगे बेस क्या होता है। देखिए, बेस होता है 10 के नंबर, जैसे कि 10, 100, जो मल्टीपल होते हैं 10 के। मतलब आप सोचिए एक एक ज़ीरो भराना, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 10 लाख, ये होते हैं बेस। इन्हें हम कहेंगे इस चीज़ में बेस। तो हमें पहले दोनों नंबर्स देखने हैं जो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे रखे हैं, उसका सबसे क्लोजेस्ट बेस हमें देखना है। जैसे कि आप देखिए 6 और 9, इन दोनों के सबसे पास कौन सा 10 का मल्टीपल आ रहा है, वो होगा बेस। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं 6 और 9 सबसे ज़्यादा किसके पास है, 10 या 100, 10। तो यहाँ पे हम बेस को क्या लेंगे, 10, ठीक है, बेस हमारा डिसाइड हो गया। यहाँ पर हमने 6 में से 10 माइनस किया है, 6 − 10 − 4 और 9 − 10 − 1। ये साइन आपको बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुली माइनस करना है, जिससे कि ये साइन आप मिस आउट ना करें। जो नंबर दे रखा है उसमें से आपको बेस को माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पर मैं भी अभी आपको इसलिए आराम से एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर जब आप आगे आगे एग्जांपल्स करेंगे तो ये बहुत रैपिड रेट पे हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नहीं आएगा तो आपको एक चीज़ का सम फाइंड करना है, या तो इनका या इनका। जो सम आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है LHS पे, और जो ये 4 कैसा है, ये हमने इन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करा है, −4 × −1, ये आ गया 4। तो ये आंसर हमारा हो गया 54। यहाँ पे हमने सम लिखा और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया, तो 6 × 9 = 54। ये सेम ट्रिक आप लगा के लॉन्ग नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 93 × 76। अब वीडियो को पॉज कीजिए और ये आंसर खुद फाइंड करिए ट्रिक से। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करी होगी और आंसर करके देखा होगा, तो अब डिस्कस करते हैं।
93 इंटू 76, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको बेस फाइंड करना है कि बेस क्या है। तो यहाँ पर अगर आप 10 देखें, 10 तो बेस मीन्स बहुत छोटा हो जाएगा, 93 और 10 में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट मल्टीपल देखिए फिर 10 का, 10 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 100, 100 क्लोज है 93 के भी और 76 के भी, तो यहाँ पर आप बेस एज्यूम कर सकते हैं एज अ 100। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको जो नंबर दे रखा है उसमें से बेस को माइनस करना है। 93 में से माइनस किया 100, तो आंसर आ गया -7। ऐसी 76 में से माइनस करा 100, तो आंसर आ गया -24। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 93 में हमें प्लस करना है -24 और 76 में हमें प्लस करना है -7। अगर हम 93 में प्लस करते हैं -4 तो हमारे पास 70 आ जाता है आंसर। ठीक है, और अगर हम 76 से प्लस करें -7 तो हमारा आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, ये दोनों आंसर सेम ही आएंगे हमेशा, चाहे आप ये वाला परफॉर्म कर लो चाहे ये कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। 24 × 7 = 68, तो 93 × 76 का आंसर आ गया है 70 = 68। ठीक है दोस्तों, आप कैलकुलेटर से आंसर चेक भी कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। नेक्स्ट है 99 × 89। सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको बेस फाइंड करना है, तो बेस देखिए यहाँ पर क्या है, 100 के क्लोज हैं दोनों नंबर्स, तो इसलिए हम बेस यहाँ पे 100 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 99 में से अगर आप 100 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, -1, और 89 में से अगर आप 100 माइनस करते हैं तो आएगा -11। ठीक है, एक स्टेप और कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपको 99 में प्लस करना है -11 और 89 में प्लस करना है -1। ठीक है दोस्तों, तो 99 में अगर आप प्लस करते हैं -11 तो आता है 88, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, सम जो कि आया हमारा 88। अब 11 को अगर आप -11 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आएगा 11, तो यहाँ पर आएगा 11, तो 8811 ये हो गया हमारा आंसर। Therefore 99 × 89 = 8811। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 999 × 997। ये एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करी होगी एंड ट्राई किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है बेस क्या है, तो यहाँ पर बेस क्या है, 1000। ठीक है दोस्तों, अब 999 में से आपको 1000 को माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, और 997 को अगर आप 1000 में -1000 करोगे तो आंसर आएगा -3, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको 999 में से प्लस करना है -3 को, तो क्या आएगा आंसर, 9996। ठीक है दोस्तों, अब जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, वो हमेशा प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, बेस में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसके इक्वल डिजिट होते हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर अगर आप 1 × 3 करते हो तो 3 आएगा, केवल एक डिजिट आ रहा है, पर बेस में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो आप 3 को 3 डिजिट में कैसे बना सकते हो, 0 0 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 996 003। तो इसका आंसर क्या हुआ, 999 × 997 = 996 003, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थी ट्रिक, अब हम इसे समअप करते हैं कि हमने क्या करा है। दोस्तों अब हमें दो नंबर्स दिए गए हैं मल्टीप्लाई करने को, ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है हमें बेस चूज करना होता है कि बेस हमें क्या लेना है। ठीक है,
बेस चूज करने के बाद जो हमें नंबर्स दे रखे हैं उसमें से हमें बेस को माइनस करना होता है। हमने ए में से बेस को माइनस करा, बी में से बेस को माइनस करा। हमने एज्यूम कर लिया जो इनका डिफरेंस आया है वो सी और डी के इक्वल है, तो हमने यहाँ सी और डी लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको ए प्लस डी करना होता है या फिर आप कर लो बी प्लस सी। ए प्लस डी और बी प्लस सी का हमेशा आंसर सेम आएगा। ये आप एज अ ट्रिक भी सोच सकते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि आप ठीक से आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं। जो सम आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया है LHS पे। नेक्स्ट हमें RHS पे क्या लिखना है, हमें प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट क्या इसका, सी इंटू डी का। और एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज इन द बेस, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था 999 वाले में, कि जो भी डिजिट्स प्रोडक्ट में उतने डिजिट्स होने चाहिए जितनी जीरोज हैं बेस में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो ये थी ट्रिक वैदिक मैथ्स की कि अगर आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो आप फास्टेस्ट वे में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इवन विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ट्रिक कैसी लगी है एंड आप फ्यूचर में किस टाइप के ट्रिक्स की वीडियोस चाहते हैं। एंड अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है सॉल्व करने में या कहीं पे आंसर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।